मित्रों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों आप इस वक्त देख रहे हैं, मैं दिलीप पांडे आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए, ये है सोमनाथ का मंदिर। आप आवाजें सुन रहे हैं, समंदर की लहरों की आवाजें आ रही हैं। ये सोमनाथ का मंदिर आप देख पा रहे हैं। इस समय मैं समंदर के तट पर खड़ा हूँ, जिसे इतिहास की किताबों में अरब सागर पढ़ाया गया है, लेकिन मैं इसे हिंद महासागर बोलता हूँ। ये देखिए, ये वो मंदिर है, वो आप मंदिर का शिखर देख रहे हैं, जिस मंदिर का शिखर के दर्शन दुर्लभ होते हैं। सोमनाथ मंदिर का ये शिखर है, और इसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ। देखिए ये समंदर है, देखिए ये पूरा समंदर, पता नहीं कितना आपकी रोशनी बहुत वैसी है, पता नहीं कितना आप देख पा रहे होंगे, लेकिन ये समंदर है पूरा। और देखिए आप, ये सूरज भगवान चमक रहे हैं, ये समंदर पूरा है। और ये वो हमारा सोमनाथ का मंदिर, प्यारा मंदिर। और इस सोमनाथ के, मैं इस समय आप समझ लो कि भारत के पश्चिमी छोर पर खड़ा हूँ। सोमनाथ मंदिर जहाँ पे है, प्रभास पाटन जिसे कहते हैं, सोमनाथ जिला अब ये है। और इस मंदिर की कहानी आपको मैं थोड़ी सी इस तट से सुनाना चाहता हूँ। ये जो मंदिर है सोमनाथ का, इस मंदिर, ये मंदिर कहते हैं पुराणों के समय का मंदिर है, पौराणिक मंदिर है, बहुत बहुत प्राचीन मंदिर है। लगभग 5-6 हज़ार 7 हज़ार साल पुराना मंदिर कहा जाता है ये। और इस मंदिर के आप शिखर को देख सकते हैं। ये मंदिर जो था, ये 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी, जो कि अफ़गानिस्तान का शासक था, उसने इस मंदिर को विध्वंस किया था। इसके बाद दोबारा इस मंदिर को जो हमारे शूरवीर थे, हिंदू शूरवीर, उन्होंने बना लिया। और इस मंदिर को इसके बाद फिर दोबारा से अलाउद्दीन खिलजी, जो कि दिल्ली की सल्तनत उसके पास थी, उसने यहाँ पर अपने सैनिकों को भेजकर, सेना को भेजकर के इस मंदिर को दोबारा से तोड़वा दिया था। लेकिन इस मंदिर को फिर निर्माण कराया गया और यहाँ पूजा चलती रही। और इसके बाद फिर ये जो मंदिर है, अत्यंत प्राचीन मंदिर है, इसको दोबारा से फिर तोड़ा था औरंगजेब ने, और यहाँ पूजा पाठ सब बंद करा दी थी। लेकिन इसके बाद भी ये यहाँ पर पूजा पाठ कभी ख़त्म नहीं हुई, और फिर लोगों ने यहाँ पर मंदिर बना करके अपना पूजा पाठ शुरू कर दिया। और इसके बाद महमूद बेगड़ा जो था, उसने भी इस मंदिर को तोड़ा था। लेकिन बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ये मंदिर बिल्कुल जीर्णशीर्ण हो गया था, लेकिन बाद में फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। और ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये मंदिर बहुत ही ज्योतिर्लिंग है, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, बहुत प्राचीन मंदिर है ये है। और इस मंदिर की महिमा बताने का मेरा यही मकसद था कि आप अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को जानें। एक बार फिर से समंदर के इस समंदर से आती हुई लहरों से, इन लहरों की आवाज़ों से आप इस जगह को महसूस कीजिए, इस जगह की महानता को महसूस कीजिए, कि समंदर की जो लहरें हैं वो जैसे भगवान शंकर के, सोमनाथ के चरणों को पखार रही हो। देखिए, ये तस्वीर दिखाने का मेरा मकसद था आपको, कि आप देख सकें कि कैसे समंदर की जो लहरें हैं वो भगवान शंकर के चरणों को पखारती हैं। ये महान ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग, देखिए आप। मित्रों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। मित्रों आप इस समय देख रहे हैं सोमनाथ मंदिर का शिखर। मित्रों ये सोमनाथ मंदिर का शिखर है, और आप देखिए ये समंदर है, जो कि भगवान शंकर के, सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग के चरणों को पखारता है। ये वो समंदर है, 7 समंदरों में से एक हिंद महासागर, जिसे इतिहास की किताबों में अरब सागर कहा गया, लेकिन हम इसको हिंद महासागर कहते हैं। ये लेफ्टिस्ट एजेंडा था, अरब सागर, हिंद महासागर है ये। और हिंद महासागर के अगर आप देखें तो ये चरणों को पकारता हुआ हिंद महासागर, ये है भगवान सोमनाथ मंदिर का शिखर। और इस शिखर के आप दर्शन कर लीजिए, ये शिखर बहुत महान है। इस शिखर के पर जो भगवा ध्वज लहरा रहा है ना, इस भगवा ध्वज को यहाँ पे बरकरार रखने के लिए कम से कम 17 बार संघर्ष हुए हैं। इस भगवा ध्वज को यहाँ पे बरकरार रखने के लिए लाखों हिंदुओं ने अपनी जो है वीर गति को प्राप्त हुए हैं, लाखों हिंदुओं ने अपना बलिदान दिया है इस शिखर पे लहरा रहे भगवा ध्वज को सलामत रखने के लिए। भगवान, ये सोमनाथ का मंदिर है, और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की तपस्या का फल है ये जो भगवा ध्वज लहरा रहा है ना, आप देख रहे हैं शिखर पे,
ये उनकी तपस्या का फल है, ये करोड़ों हिंदुओं की तपस्या का फल है जो आज भी यहाँ पे मंदिर सुरक्षित है, क्योंकि इस मंदिर को एक नहीं कम से कम 17 बार तोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन जब भी इसको बार बार तोड़ा गया, बार बार ये मंदिर दोबारा से बनाया गया हिंदुओं के द्वारा, और इसीलिए ये भारतीय संस्कृति के संघर्ष का प्रतीक है, ये भारतीय संस्कृति की अदम में जो जीवटता है उसका प्रतीक है, ये हिंदुओं के असीम साहस का प्रतीक है, हमारी अमिट संस्कृति का प्रतीक है, जिसको कि कितनी ही बार तोड़ा गया, इसको खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बाद भी ये जो हमारा महान मंदिर है ये कभी भी खत्म नहीं हुआ, इसके बाद भी आज भी इसका शिखर वैसे ही है, और आज इसके भगवा ध्वज को लहराता हुआ देख के हम सभी का गर्व जो है, हम सभी का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है, इसलिए क्योंकि इस भगवा ध्वज को यहाँ पे बरकरार रखने के लिए लाखों लाख हिंदुओं ने भीमदेव सोलंकी, अभी हमीर सिंह गोयल की प्रतिमा बाहर लगी है, उसका भी वीडियो आपको दिखाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं समंदर की लहरें किस तरह से यहाँ पे आ रही हैं, इसकी कहानी आपको हम बताते हैं। ये सोमनाथ जिला आता है, पहले इसको बोलते थे प्रभास पाटन, और यहाँ पर इस जगह पर इस मंदिर पर जो है हमला करने के लिए 17 बार अफगानिस्तान से आया था महमूद गजनबी ने 1026 ईस्वी में हमला करके इसको तोड़ा था, और उसके बाद दोबारा इसको बना लिया गया था। उसके बाद फिर दिल्ली का जो सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, उसने इस मंदिर को दोबारा तहस नहस कर दिया था, तोड़ दिया था, और इस मंदिर के इसके बाद दोबारा इस मंदिर को बनाया गया, लेकिन औरंगजेब ने फिर इस मंदिर को तोड़ा था, और इसके बाद फिर दोबारा इस मंदिर को बनाया गया सरदार पटेल के द्वारा, जो कि 1947 में जब भारत के गृह मंत्री बने तो उन्होंने इस मंदिर को देखा, उसका दौरा किया, उसके लिए पूरा एक ट्रस्ट बनाया सोमनाथ ट्रस्ट, और उस ट्रस्ट को बनाने के बाद उन्होंने यहाँ पे आम लोगों से, गुजरात के आम लोगों से चंदा इकट्ठा किया, 50 लाख रुपये चंदा इकट्ठा हुआ, और उसके बाद उस पैसे से यहाँ पे मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, और जब इस मंदिर की जो पूजा होती है, जो अधिष्ठान होता है, जब इस शिवलिंग की स्थापना हुई थी, तो स्थापना की पूजा में भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद उस समय मौजूद थे, 1950 की बात है मेरे ख्याल से ये, और तब नेहरू ने उनसे मना किया था कि आप यहाँ मत जाइए क्योंकि सेकुलर फैब्रिक के खिलाफ है, लेकिन उसके बाद भी राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे आए, और उन्होंने इस मंदिर की जो है बाकायदा इस मंदिर की स्थापना में, इस मंदिर के शिवलिंग की स्थापना में अपना पूरा योगदान दिया, तो हम उनको राजेंद्र प्रसाद जी को प्रणाम करते हैं। और ये वो हिंद महासागर, विशाल हिंद महासागर, जो इसके पार आप जाओगे तो आपको पाकिस्तान मिलेगा, अरब मिलेगा, सीरिया मिलेगा, ये भारत की पश्चिमी सीमा है मित्रों। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव।